मेरी टीम्स क्लब ट्रांसफर कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो हुआ है वही वाला ट्रांसफर कर लेते हैं। किलियन एम्बाप्पे को ले आते हैं अपन रियाल मैड्रिड। कहाँ है किलियन एम्बाप्पे? फ्रांस, बहुत बड़ा ट्रांसफर हो गया यार। किलियन एम्बाप्पे कब से यही न्यूज़ चले जा रही थी, किलियन एम्बाप्पे अब आ रहा है, किलियन एम्बाप्पे तब आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, दुनियादारी यार। मतलब इतनी सारी न्यूज़ आ रही थी ना एक छोटी सी बात को लेकर, और कंफर्मेशन हम सबको पता था ये होने वाला है, पर कंफर्म नहीं कर रहा था यार कोई। ये बड़े दुख की बात थी। चलो अपन कर दिए, किलियन एम्बाप्पे को अपन ले आए। अब हम जो है एक काम कर लेते हैं, सेटिंग्स में चले जाते हैं, गेम सेटिंग्स में चले जाते हैं, डिफ़िकल्टी को थोड़ा कम कर लेते हैं। लेजेंड्री में खेल नहीं पाता हूँ, वर्ल्ड क्लास में चलो ट्राई करते हैं। नूबरा हूँ दोस्तों, नूबरा फीफा में मैं नूबरा हूँ। लेट्स गो फॉर द किक ऑफ। यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, कि जब इतना अच्छा खासा गेम था फीफा, क्या जरूरत थी इधर उधर करके पूरे गेम को खराब करने की। मैक्स पेन के साथ भी यही किया यार, इतना अच्छा गेम था वो सेकंड सीरीज तक मैक्स पेन के, लेकिन भाई उसके बाद जो बरोसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ ही खेल लेते हैं। अब भी इसका फाइनल हुआ है, इसके खिलाफ ही खेल लेते हैं। टीम मैनेजमेंट बेंजिमा को हटा के किलियन एम्बाप्पे को ले आते हैं। चलो दोस्तों मन ही नहीं करता पता है मेरा FIFA 24 खेलने का। देखो मैं बोल अभी भी FIFA 24 रहा हूँ, उसको FC 24 है, वो सारा मोबाइल गेम जैसा लगता है खेलता हूँ तो। अब मेरे को फीफा खेल के आदत है। देखो यार क्या क्या जोरदार है सेंटियागो बर्नबाओ। मेरे को ऐसा लगता है यार सेंटियागो बर्नबाओ में ना ये कोई काला जादू करती है रियाल मैड्रिड। आपको नहीं लगता? मेरे को तो लगता है यार। लेट्स गो फॉर द किक ऑफ। कैसे कैसे करके जो है कुछ भी करके रियाल मैड्रिड जीत ही लेती है। अडियमी अभी जो ये प्लेयर दिखा, इतना अच्छा चांस इसने छोड़ा था ना, नहीं तो रियाल मैड्रिड जो होती ना भाई ट्रेल कर रही होती। और कुछ चांस तो रहता डॉर्टमुंड के पास, कोई चांस नहीं है डॉर्टमुंड। अबे आओ ना यार। चलो बच गया यार, कोर्टवा ने बचा लिया। आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था यार, चैंपियंस लीग का जो फाइनल था उसमें कोर्टवा आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था, पर रियल मैड्रिड ऐसी टीम है ना यार, कोई भी आउट ऑफ द प्लेस लगे, कुछ भी लगे, कैसा भी लगे, वो साला रियल मैड्रिड अपना कर ही लेती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कीपर कौन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। रियल मैड्रिड जो है
वो कर देती है अपना काम। अब तो किलियन एम्बाप्पे आ गया है, अब तो मतलब वो टीम जो है ना इनविंसिबल हो गई है। मतलब अब उसको उस टीम को ऐसे ही बहुत मुश्किल था तोड़ना। मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है वैसा, जब अपन छोटे नहीं थे, मतलब हम लोग यंग थे जब हम जवान थे, और रोनाल्डो आया था रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीतने के बाद। ऐसा ही सब उड़ते उड़ते र्यूमर्स ये वो दुनियादारी की चीज़ें आती थी। अभी बस फ़र्क इतना है कि पीएसजी चैंपियंस लीग जीती नहीं। बताओ यार, मतलब पीएसजी क्या टीम है। अरे यार, गोल ही नहीं पड़ रहा है यार, एक गोल मार दूँ। पीएसजी ऐसी टीम है कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर ले आई है, लेकिन चैंपियंस लीग ना 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 ना, हम नहीं जीतेंगे, हम नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, हमारा मुर्जी नहीं जीतेगा। अरे यार, कम ऑन किलियन एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे, अरे यार क्या मस्त लग रहा है ना यार जर्सी में रियल मैड्रिड के। अभी देखो अगर अपन बात करें तो अब रियल मैड्रिड को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एकमात्र कोई कमी तो थी नहीं उनके टीम में, बस यही प्रॉब्लम था कि विनीशियस जूनियर जैसा कोई दूसरा स्ट्राइकर नहीं था। अब तो भाई विनीशियस जूनियर से बड़ा स्ट्राइकर आ गया उनके पास। मेरे को लगता है 5-6 साल के लिए ये रियल मैड्रिड तो अनबीटेबल है। मेरे को नहीं लग रहा कोई हरा पाएगी रियल मैड्रिड को, कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 साल। बाहर हो गई यार बॉल, अरे यार चुआ मैनी, गेम में भी हग रहा है यार ये, फाइनल में तो इसने मिस किया ही था। खैर अच्छा हुआ था मैं तो अर्जेंटीना के साइड था, ये मिस नहीं करता तो मैसी हार जाता है, बहुत बुरा लगता मेरे को। कोबेल कोबेल, कम ऑन मैन, एक गोल की लीड चाहिए, नहीं तो इन लोग साला इस डिफ़िकल्टी लेवल पे ना आखिरी आखिरी में एक गोल मार ही देते, कहीं अभी ना मार दे, मेरे को तो इस बात का डर लग रहा है। पकड़ पकड़, हाँ हाँ, निकल जा 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 निकल जा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गो किलियन एम्बाप्पे। ये फीचर सही है यार फीफा का, मजा आता है गोल देखने में। इनका भी कोई जवाब नहीं भाई, कार्लो एंजेलोटी, ये एम्बाप्पे, कोई जवाब नहीं भाई कार्लो एंजेलोटी का भी, जो मैनेजर है ना वो, मतलब
आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी ईगोस को संभालना कितना मुश्किल होता है फुटबॉल में। अब तो कार्लो एंचेलोटी एम्बाप्पे को संभालेगा, विनीसियस जूनियर को संभालेगा, है यार दम है टीम में। डॉन कार्लो हाफ टाइम के पहले एक गोल और मारूंगा, मेरा मन तो बहुत है। चुआमेनी बोला था ना एक गोल और मारूंगा, दो गोल तक कुछ चाहिए मेरे को हाफ टाइम से पहले जाने। देखो यार एम्बाप्पे ठीक है, रोड्रिगो, फिर विनीसियस जूनियर है ना, जूड बेलिंगम, वलवार्दे, कामाविंगा और कारवाहाल ठीक है, साला क्या टीम रहेगी रियल मैड्रिड की। मेरे को वो वाला टाइम याद आ गया रियल मैड्रिड का, जब रियल मैड्रिड में सब ये लोग खेलते थे ना, रॉबर्टो कार्लोस, जिदान, फीगो, डेविड बेकम, वो वाला टाइम याद आ गया यार मेरे को। रियल मैड्रिड सारे ही चैंपियंस हैं, ऐसी कौन सी टीम है जो मतलब नहीं बची है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो नहीं है टीम में और वर्ल्ड क्लास है। साला इनकी पासिंग ना बहुत तेज हो जाती है इस मोड में। चलो कमॉन कारवाहाल, क्या हो गया, फाउल। चलो भाई कुर्तवा ने पकड़ लिया, साला कीपर भी इनका एक नंबर है ना, तो कुर्तवा नहीं था तो यार लूनिन करके दे देता था भाई इनको। चल विनीशियस जूनियर, एम्बाप्पे, किसी की औकात नहीं है मेसी के अलावा कि इस रियल मैड्रिड टीम को हराए। बार्सिलोना ही हराती थी रियल मैड्रिड को, और तो कोई टीम उतना हरा पाती है नहीं। एक मैन सिटी से है मेरे को थोड़ी सी उम्मीद कि हाँ भाई हराएगी, बाकी ऐसा कोई मेरे को खास लगता नहीं है कि अगले 5-6 साल तक रियल मैड्रिड को कोई हरा सकता है। बार्सिलोना में है यार, बार्सिलोना हरा सकती है पता है, पर उनके अपने मसले इतने चल रहे ना बार्सिलोना के, शावी के साथ क्या क्या कर दिया उस उन लोगों ने ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम है उनको। उसके बाद लेवनडॉस्की वैसे फायरी फॉर्म में नहीं चल रहा है, जबकि शावी ने उनको जिताया है ना, एक लेवल का तो जिता दिया उस टीम के साथ। उसके बावजूद भी यार मतलब क्या घटिया हरकत की ना बोर्ड ने शावी के साथ। पहले बोला कि शावी रहेगा, आप रुक जाओ करके शावी को रोका जब शावी जाने वाला था तो, है ना, तब मैनेजर्स अवेलेबल उतने थे नहीं मार्केट में। उसके बाद जब मैनेजर्स अवेलेबल हुए तो शावी को इन लोगों ने मतलब क्या ही बोलूँगा, बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए जो कि मोर देन अ क्लब का अपना मोटो रखती है, उस क्लब को यार ये चीज़ बिल्कुल शोभा नहीं देती। चलो 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 रन बनाओ रन बनाओ, कम ऑन एम्बाप्पे, ये डुओ देखने में मजा आएगा विनीशियस जूनियर और एम्बाप्पे का। तो विनीशियस जूनियर को आप जो भी बोलो भाई, वो है तो नंबर वन स्ट्राइकर ऑफ द वर्ल्ड अभी। ऐसा आदमी आपको नहीं पसंद होगा, मेरे को भी नहीं पसंद ऐसा आदमी है ना, उसकी कुछ कुछ ऐसी हरकतें हैं फील्ड पे भी ऐसे भी ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें, पर यार ब्राज़ीलियन लेग्स तो ब्राज़ीलियन लेग्स ही होते हैं।
अरे नहीं भाई, ब्राज़ील को हराना एट एनी गिवन डे बहुत मुश्किल होगा। कोपा अमेरिका भी जो बाहर ही है ना, जब मेसी और विनीशियस जूनियर का ये कॉम्बो जाएगा तब मज़ा आएगा देखने में। ओ मैन, मेसी वर्सेस विनीशियस जूनियर, टोनी क्रूज यार, रियल मैड्रिड अगर किसी चीज़ को मिस करेगी ना तो यार टोनी क्रूज को मिस करेगी, क्योंकि अरे यार बढ़िया गोल होता ये वाला। फर्स्ट लेग जो हुआ था ना बायर्न म्यूनिख के साथ, जो पासिंग की थी यार टोनी क्रूज ने, वो जो बॉल बना के दी थी ना यार, मज़ा आ गया था। जो मिडफील्ड में टोनी क्रूज रहता है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है बॉस ज़्यादा क्लिनिकल खेलने की मिडफील्ड में, क्योंकि वो अकेला ही गेम चला देगा, वो अकेला ही गेम चला देगा। गेम का पेस बोलो या अटैक बनाना बोलो, पूरा लीड करता है टोनी क्रूज। अरे यार एक गोल खा गया हूँ, चलो ठीक है, वो तो पता ही था आखिरी में ये समय में इन लोग एक गोल मारेंगे बोरुसिया डॉर्टमुंड वाले। हाँ ठीक है, चल चल चल, ज़्यादा सेलिब्रेट मत कर, अभी 3 गोल आ गए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सेलिब्रेट करने का। लेट्स गो, पासिंग स्पीड देखो यार इनकी, हालत खराब हो जाती है सालक के लिए। विनीशियस जूनियर, एक ही चीज है, अगर आपको हार्ड डिफिकल्टी में गोल मारना है तो दूर दूर से शॉट्स लेने पड़ते हैं, वरना ना साला गोल पड़ता नहीं, ये प्रॉब्लम है। जितने पास जाओगे साला गोलकीपर भी वैसे ही रहता है ना, प्लेयर भी उसके अंदर पूरे के पूरे आ जाते हैं एकदम तेज़ी से, तो एकमात्र ऑप्शन बच जाता है कि दूर दूर से शॉट लो और जो है दूर दूर से कोशिश करो। लूका मॉड्रिच का भी जो है ना, अरे फिर से गोल, अगली बार फिर आ रहा है लूका मॉड्रिच, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्सटेंड और रियल मैड्रिड आ रहा है। लूका मॉड्रिच मिडफील्ड में, लूका मॉड्रिक है कि लूका मॉड्रिच है, क्रोएशियन लोग का बहुत अजीब रहता है रिवाल। जूड बेलिंगम तो है ही है उनके पास। चलो भाई वी वन द गेम है ना, एज एक्सपेक्टेड, जो अगले बार मैड्रिड के साथ होगा वही हमारे मैच में भी हुआ है। किलियन एम्बाप्पे मैन ऑफ द मैच है, और आई थिंक किलियन एम्बाप्पे नंबर 9 से खेलेगा मैड्रिड में। किलियन एम्बाप्पे एज नंबर 9 खेलेगा और उसके बाद मज़ा आएगा ला लीगा देखने में। और भी बात हो रही है यार, रोनाल्डो जो है वो भी बायर लेवरकुसन आएगा, उसमें भी मज़ा आएगा। मतलब कंफर्म रूमर नहीं है, पर वही है कि उठी तो थी, उड़ती उड़ती बातें तो आई थी कि बायर लेवरकुसन आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई यूरोप आ जाए बड़ी बात है ना, कुछ नहीं तो कम से कम एम्बाप्पे और रोनाल्डो की राइवलरी देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है अगले चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग का सीज़न कैसा रहता है, बुंडेसलीगा का सीज़न कैसा रहता है, देखेंगे। लाइक करो अच्छी लगी अगर स्ट्रीम तो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब जो है आपसे मुलाकात अगली वीडियो पे हो।
चलिए बाय बाय।